कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में लगातार कई उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर बेल्जियम की सड़कों पर देखने को मिला है। दरअसल फीफा विश्व कप मैच में बेल्जियम पर मोरक्को की जीत के बाद हिंसा भड़क गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ब्रुसेल्स में एक कार और कुछ स्कूटरों में आग लगा दी। इसके बाद बेल्जियम पुलिस ने एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया और गिरफ्तार भी किया। ब्रुसेल्स में कई जगह दंगा भड़कने की खबरें सामने आ रही हैं, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दंगे बेल्जियम की राजधानी में कई जगहों पर हुए, जहां दर्जनों फुटबॉल फैंस मौजूद थे, जिनमें से कुछ तो मोरक्को के झंडे में लिपटे हुए थे। हिंसा इतनी उग्र थी कि लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस का कहना है कि फिलहाल यहां स्थिति कंट्रोल में है और जिन इलाकों में हिंसक झड़प हुई वहां पर एहतियातन पुलिस की गश्त जारी है। पुलिस को सुरक्षा कारणों के चलते एहतियातन वहां पर मेट्रो और ट्राम सेवा को भी रोकना पड़ा। हिंसा को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए और सड़कों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। वहीं ब्रसेल्स के मेयर फिलिप क्रोज ने लोगों को शहर के मध्य हिस्से से दूर रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में मोरक्को ने बेल्जियम को 2-0 से हराकर विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल की है। ये विश्व कप इतिहास में मोरक्को की तीसरी जीत है। इससे पहले उसे 1998 में जीत मिली थी। उस समय मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया था।